ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एविडेंस एक्ट के चैप्टर 6 जो कि सेक्शन 91 से लेकर के 100 तक में विस्तृत है, उस जो कि बात करता है एक्सक्लूशन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी जो दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन की बात करता है उसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये समझेंगे कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6 है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, ये किस फिलोसफी पे या किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई बात किसी से किसी व्यक्ति ने कही तो वो जैसी बात किसी ने किसी से कही तो वो वैसी ही बात न्यायालय के सामने आनी चाहिए और न्यायालय तभी उस पर रिलाई करेगा और तभी वो आगे की प्रोसीडिंग्स को ठीक प्रकार से कर पाएगा और ऐसा करने में न्यायालय का समय बचता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो बात जैसी किसी ने कही वैसी बात न्यायालय तक कैसे पहुंच सकती है। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर उस बात को किसी डॉक्यूमेंट पे लिख दिया गया तो इसका मतलब वो निश्चित हो गई, उसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन या फैब्रिकेशन होने की संभावना वहीं पर खत्म हो जाती है। तो न्यायालय में क्या चाहता है कि अगर कोई बात किसी से किसी ने कही और वो रिकॉर्ड कर ली गई, रिकॉर्ड फॉर्मेट में आ गई, वो रिकॉर्ड या तो ऑडियो फॉर्मेट में हुआ या वीडियो फॉर्मेट में हुआ या वो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में हुआ, तो जैसा वो रिकॉर्ड हुआ वैसा वो न्यायालय के सामने तभी आ पाएगा जब हम ओरल एविडेंस को क्या करेंगे, ओरल एविडेंस के स्थान पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रेफरेंस देंगे। और डॉक्यूमेंट पर जब लिखा जाएगा तो उसमें परिवर्तन होने की संभावना नहीं रहती है, उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है जो कि ह्यूमन नेचर है। मैनिपुलेशन का अगर कोई व्यक्ति किसी बात को सुनता है तो सामान्य सी बात है, वो न्यायालय तक आते आते पता नहीं वो कहां से ओरिजिनल बात का कितना कंटेंट हो सकता है, 20% कंटेंट ही न्यायालय तक पहुंचे। तो उस स्थिति में और डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर डॉक्यूमेंट में किसी बात को लिख दिया गया है तो वह डॉक्यूमेंट के पर अगर लिखा गया तो उस स्थिति में वो 100% पॉसिबिलिटी है न्यायालय के सामने पहुंचने का और इस स्थिति में न्यायालय का जो समय है वो बर्बाद नहीं होता है, वो वेस्ट नहीं होता है और न्यायालय उसकी जो जेन्युइनिटी है, जो उसकी असलियत है उस पर रिलाई कर सकता है, उसके आधार पर वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकता है या उसके संदर्भ में वो आगे की प्रोसीडिंग्स को बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए ये जो चैप्टर 6 है वो एक्सक्लूशन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमको इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ अन्य सेक्शंस या अन्य प्रोविजंस को भी समझना पड़ेगा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 3 जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करती है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, तो जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की हम बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो डेफिनेशन दी गई उसमें यह बताया गया कि कोई किसी भी मटेरियल पर अगर अक्षरों, प्रतीकों या चिन्हों के द्वारा, अंकों, अक्षरों या प्रतीक या चिन्हों के द्वारा कुछ भी लिखा जाता है तो वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा, अर्थात जैसे ही वो प्रस्तुत किया जाएगा न्यायालय के सामने उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात किसी दीवार पर, किसी लकड़ी पर, किसी धातु पर, कागज पर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी ऑडियो वीडियो के माध्यम से अगर किसी बात को, किसी कंटेंट को उस पर लिखा गया है या उस पर रिकॉर्ड किया गया है, विलेख में लिया गया है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा और जैसे ही उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को के संदर्भ में जो रूल्स हैं, जो सेक्शंस हैं, जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 61 से लेकर के 90 तक विस्तृत है, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के संदर्भ में प्रावधान किए गए। वहीं पर जो जनरल रूल्स हैं अभी तक जो हमने पढ़े सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 55 तक, वो जनरल रूल्स हैं एविडेंस के। वहीं पर सेक्शन 56 से लेकर 58 तक की जो प्रोविजंस हैं वो कहते हैं कि कौन सी परिस्थितियों में एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जुडिशियल नोटिस जुडिशियली नोटिसेबल हो जाएंगे यानी न्यायालय उसकी न्यायिक अपेक्षा करेगा। वहीं पर सेक्शन 59 यहां पर हमारे टॉपिक से लिमिट हो जाती है, वो कहती है किसी भी स्थिति में जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए, वो प्रत्यक्ष होना चाहिए यानी हियर से एविडेंस को ग्राह्य नहीं किया जाएगा। और उसमें जब 59 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को छोड़कर। डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, उसके संदर्भ में सेक्शन 59 कोई बात नहीं करती। सेक्शन 61 जो है वो कहती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम प्रूफ करेंगे दो तरीकों से, एक प्राइमरी एविडेंस के माध्यम से और दूसरा सेकेंडरी एविडेंस के माध्यम से।
अब यहां पर चूंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मामला है तो इसलिए प्राइमरी एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के संदर्भ में सेक्शन 61 जो बात करता है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की, वहीं पर सेक्शन 62 और 64 अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 62 और 64 बात करता है प्राइमरी एविडेंस कब दिए जाएंगे और सेक्शन 63 और सेक्शन 65 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस कब दिए जाएंगे। और वहीं पर एक और प्रोविजन जो बात करता है सेक्शन 144। सेक्शन 144 कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ओरल एविडेंस दे रहा है यानी किसी दस्तावेजी साक्ष्य के कंटेंट के विषय में कोई मौखिक रूप से कुछ प्रस्तुतिकरण कर रहा है तो उस स्थिति में जो एडवर्स पार्टी है वो ऑब्जेक्ट कर सकती है कि भाई जब डॉक्यूमेंट के कंटेंट की बात हो रही है तो वो डॉक्यूमेंट ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए न्यायालय में, ना कि उसका ओरल जो व्याख्यान है डिस्क्रिप्शन है उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट का वो किया जाना चाहिए। तो ये सेक्शन 59, सेक्शन 61, सेक्शन 62 और 64, 63 और 65 और 144 ये प्रोविजंस हमारे इस चैप्टर से रिलेवेंट है। अब स्टार्ट करते हैं कि हम ये चैप्टर है क्या। तो सामान जैसा वो कह रहा है एक्सक्लूशन है, अपवर्जन हो जाएगा किसका, ओरल एविडेंस का, मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन हो जाएगा जैसे ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएगा अस्तित्व में, यदि किसी एक बात को लेकर के किसी एक फैक्ट को लेकर के दो चीजें उपलब्ध हैं, दो प्रकार के एविडेंसेस अवेलेबल हैं, एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और दूसरा ओरल एविडेंस, तो वहां पर न्यायालय प्रायोरिटी किसको देगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देगा ना कि ओरल एविडेंस को देगा। सामान्य रूप से इसी प्रिंसिपल पर ये चैप्टर बेस्ड है। अब ये चैप्टर की अगर हम बात करें जैसा मैंने पहले कहा कि सेक्शन 91 से लेकर के 100 तक विस्तृत है, तो इसको बेसिकली अगर हम अपनी सुविधा की दृष्टि से डिवाइड करें तो इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट में हम तीन सेक्शंस को रखेंगे, सेक्शन 91, 92 और 99 जो बात करता है बेस्ट एविडेंस रूल की। इसके बाद अगला जो पार्ट इसका होगा वो एम्बिग्विटीज जो है, जो डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है या डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो किसी भी प्रकार से संशय है या उसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसको लेकर के प्रोविजंस करते हैं, यानी एम्बिग्यूस डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे उनके विषय में कहते हैं और वो प्रोविजन करते हैं सेक्शन 93 से 98। और वहीं पर जो लास्ट पार्ट है वो लेस इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली बात करता है कि बिल के संबंध में इस चैप्टर में जो भी बातें कही गई हैं उन बातों को का जो एप्लीकेबिलिटी है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 पर नहीं होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 के प्रोविजन यथावत बिल के संदर्भ में जो उसमें लिखा है वही एप्लीकेबल होगा, उसके संदर्भ में इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 6 में जो बिल के संदर्भ में बात कही गई है वो एप्लीकेबल। अब पहला पार्ट जो सेक्शन 91 से लेकर के 91, 92 और 99 की बात करता है वो बात करता है बेस्ट एविडेंस रूल। और बेस्ट एविडेंस रूल क्या होता है, सामान्य रूप से अगर दो मौखिक और दस्तावेज दोनों प्रकार के साक्ष्य अवेलेबल है तो उस स्थिति में क्लियर किया जाना चाहिए, दस्तावेज साक्ष्य को ग्रहण किया जाना चाहिए और मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि दस्तावेज साक्ष्य जो होगा वो क्या होगा उसके 100% सही होने की पॉसिबिलिटी है, निश्चित होने की पॉसिबिलिटी है, और यानी जितना कंटेंट उसमें उस समय लिखा गया था 100% कंटेंट न्यायालय के सामने पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। और डॉक्यूमेंट ओरल एविडेंस भी क्या हो सकता है, वो कोई आवश्यक नहीं है, जितना लिखा गया था जितना 100% कंटेंट ही न्यायालय के सामने पहुंचे कोई आवश्यक नहीं है, वहां पॉसिबिलिटी या एरर की ज्यादा हो जाती है और उसमें पॉसिबिलिटी हो जाती है कि बहुत लेस कंटेंट जो है उस डॉक्यूमेंट का ही न्यायालय के सामने पहुंचे और न्यायालय को उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर प्रयास करने पड़ेंगे, उसकी जेनुइनिटी को यानी असलियत को लेकर के भी चीजों को देखना पड़ेगा, तो इसमें न्यायालय का समय बर्बाद होगा। तो पहला पार्ट सेक्शन 91 बात करता है एविडेंस ऑफ टर्म्स, कौन कौन किसके टर्म्स की, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो मॉर्गेज है, लीज है, बिल है, ठीक है, सेल है, इन प्रकार के जिस भी प्रकार से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है वो सारे के सारे प्रकार यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो पहली चीज सेक्शन 91 कहती है कि अगर किसी संविला, किसी ग्रांट या किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी का या संपत्ति का बयान किया गया है, वो संपत्ति चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, इसको यहां पर स्पष्ट नहीं किया गया है, बेसिकली इसका मतलब ही है ये प्रॉपर्टी टर्म का प्रयोग किया गया तो एप्लीकेबल फॉर बोथ प्रॉपर्टीज मूवेबल एंड इमूवेबल
ठीक है, दोनों के लिए लागू होगा, चल और अचल संपत्ति के लागू होगा। और बेसिकली ये सेक्शन 91 क्या कहती है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो शर्तें तय की गई हैं, जो कंडीशंस तय की गई हैं, चाहे वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो, चाहे वो किसी ग्रांट में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी का डिस्पोज ऑफ किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की अगर शर्तें तय की गई हैं और उनको क्या किया गया है, किसी पेपर पर लिखा गया है, किसी डॉक्यूमेंट पर लिखा गया है, तो सेक्शन 91 कहती है नो ओरल एविडेंस मस्ट बी टेकन, नो ओरल एविडेंस मस्ट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो न्यायालय में किसी भी प्रकार का एविडेंस, वो ओरल एविडेंस जो होगा, मौखिक साक्ष्य होगा, उन शर्तों का जो इनके संदर्भ में है वो ग्राह्य नहीं होगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, वो बात हमने पहले ही कर ली। इंपॉर्टेंट बात क्या, इस सेक्शन की, इस सेक्शन 91 की कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है कि पहली चीज ये कि सेक्शन 91 के संदर्भ में वो जो टर्म्स है, उस टर्म्स को कागज पर या डॉक्यूमेंट पर मेंशन किया जाना, लिखा जाना लॉ द्वारा रिक्वायर्ड था या नहीं था, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं था तो भी वॉलंटरली अगर पार्टीज ने उसको लिख लिया, क्योंकि बहुत सारे समझौते ऐसे होते हैं आपस में जिनको कोई जरूरी नहीं है, वो न्यायालय के जो रिक्वायरमेंट है, न्यायालय कहे कि भाई हर दस्तावेज या हर समझौते को आप नोट डाउन ही करो, डॉक्यूमेंट पर ही लिखो या एफिडेविट पर ही लिखो। बहुत सारे समझौते ऐसे भी होते हैं जो एक प्लेन पेपर पर लिख करके दोनों पार्टी उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। अब उस समझौते के कंटेंट के विषय में अगर कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस प्रकार का, उस वो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टी के बीच, और वो केवल और केवल ब्लैंक पेपर पर लिख दिया गया, उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, तो वहां पर यह नहीं कहा जा सकता किसी भी पार्टी के द्वारा न्यायालय में कि ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं था लॉ के द्वारा, ये न्याय विधि के संदर्भ में ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि इसको लिखा जाना चाहिए, इसका तो ओरल साक्ष्य भी गायब हो जाएगा। लेकिन नहीं, सेक्शन 91 कहती है चाहे वो विधि द्वारा रिक्वायर्ड हो या ना हो, लॉ इसको रिक्वायर करता हो या ना करता हो, अगर उसको कागज पे लिख दिया गया है तो प्रायोरिटी नहीं होगी कि उसको प्रस्तुत किया जाए, तो आइदर रिक्वायर्ड बाय लॉ और नॉट इन रिटन फॉर्म, चाहे रिटन फॉर्म में लिखा जाना लॉ के द्वारा विधि के द्वारा आवश्यक था या नहीं था, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। है केस था शेख मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस बीबी मरियम 1928, ये जो केस था, इस बेसिकली केस में कहा गया कि मोहम्मद लॉ के तहत जो वक्त का निर्माण होता है, वक्त के निर्माण की जो कंडीशंस होती है, जो टर्म्स होती है, उनको नोट डाउन किया जाना, लिखा जाना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर उनको नोट डाउन कर लिया गया है, तो उस वक्त के निर्माण के लिए जो कंडीशंस नोट डाउन की गई है, अगर वो डॉक्यूमेंट पे नोट डाउन किए, तो डॉक्यूमेंट जो है वो ग्राह्य होगा, जबकि उसका ओरल एविडेंस जो है ग्राह्य नहीं होगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। ऐसा शेख मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस बीवी मरियम 1928 केस में कहा गया। अगली महत्वपूर्ण बात, अब ये जो रिक्वायर्ड था या नहीं था, इसके बाद वो वॉलंटरली या कंपल्सरी किसी भी प्रकार में लिखा गया हो, वो जबरदस्ती लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड था, जैसे 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर ट्रांसफर होना है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। तो अब और 100 रुपए से नीचे की प्रॉपर्टी है, तो उसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। तो 100 रुपए से नीचे की अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है, और उसको उन्होंने वॉलंटरली अपनी इच्छा पूर्वक दोनों पक्षकारों ने उसको कागज पर नोट डाउन कर लिया, तो क्या उसका अपवर्जन हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट का, लॉ तो रिक्वायर नहीं कर रहा। लेकिन नहीं, 91 कहता है कि वॉलंटरली बनाया हो, चाहे लॉ की कम बाध्यता के स्वरूप फलस्वरूप को डॉक्यूमेंट पे उतारा हो, दोनों ही स्थितियों में वो ओरल साक्ष्य का जो होगा, जो ओरल एविडेंस होगा, उसको अपवर्जित कर देगा और वहां पर वो डॉक्यूमेंट के रूप में ग्राह्य हो जाएगा। ठीक, तो वही बात यहां पर वॉलंटरली और कंपल्सरी डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कैसे किया गया। हाँ, लिमिटेड टू ओनली मेंशनड मैटर्स, जो इसकी सबसे एक महत्वपूर्ण लिमिटेशन है इस सेक्शन 91 की, वो केवल और केवल इन्हीं मामलों पर एप्लीकेबल होगा, इसके अतिरिक्त अगर कोई मामला आता है तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब अतिरिक्त मामला कौन सा हो सकता है, एडॉप्शन का। अतिरिक्त मामला क्या हो सकता है, एडॉप्शन का, जैसे ये केस है तबूरी सहाय वर्सेस झुनझुनवाला 1967।
इसमें क्या किया गया, एक बच्चे का एडॉप्शन किया गया, एक बच्चे को दत्तक ग्रहण किया गया और उस बच्चे के दत्तक ग्रहण की जो कंडीशंस थी, जो दत्तक ग्रहण था, उसको एक डॉक्यूमेंट पर लिख लिया गया। अब बात यह थी कि क्या न्यायालय में उस दत्तक ग्रहण की जो डॉक्यूमेंट्स जो तैयार किया गया था दत्तक ग्रहण का, वो प्रस्तुत किया जाए या ओरल साक्ष्य दिया जा सकता है। तो इस केस में तबुरी सहाय वर्सेस झुंझुनवाला एआईआर 1967 में कहा गया सेक्शन 91 की अगर हम बात करें कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रेफरेंस तो देता है और ओरल एविडेंस को एक्सक्लूशन तो करता है, लेकिन चूंकि ये जो एडॉप्शन है वो सेक्शन 91 में जो भी मेंशन चीजें हैं उसके अंतर्गत नहीं आता है, यानी एडॉप्शन इसका पार्ट नहीं है सेक्शन 91 का, इसलिए यहां पर ओरल एविडेंस भी एडमिसिबल हो जाएगा, यहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का दिया जाना कोई आवश्यक नहीं है। तो ऐसा जो है ताबूरी सहाय वर्सेस झुंझुनवाला एआईआर 1967 के केस में कहा गया। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात सेक्शन 91 के संदर्भ में, वेयर डॉक्यूमेंट इज इनएडमिसिबल फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन नो अदर एविडेंस ऑफ कंटेंट्स मस्ट बी गिवन। इसका मतलब क्या कि जहां पर ये रिक्वायर किया गया है लॉ के द्वारा कि उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा, तो उस स्थिति में अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है तो वहां पर अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ग्राह्य नहीं होगा तो उस स्थिति में वहां पर कोई भी यानी ओरल एविडेंस भी ग्राह्य नहीं होगा। अर्थात कि अगर डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन के चलते, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण ना होने के चलते डॉक्यूमेंट को अपर्जित कर दिया गया तो वहां पर ओरल एविडेंस भी ग्राह्य नहीं होगा। अगर प्राइमरी एविडेंस को ग्राह्य नहीं किया गया तो वहां पर सेकेंडरी एविडेंस भी ग्राह्य नहीं होगा। तो ये बात जो है एक केस था प्रताप सिंह वर्सेस बिहारी दास एआईआर 1938 प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है और प्रिवी काउंसिल के इस जजमेंट में कहा गया कि जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अग्राह्य बना दिया गया वहां पर ओरल एविडेंस भी ग्राह्य नहीं होगा। आगे अगर हम बात करें सेक्शन 91 की कुछ एक्सेप्शंस हैं और बेसिकली एक्सेप्शंस हैं दो। पहली कि अगर पब्लिक ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की बात आ रही है और उसका अपॉइंटमेंट किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, किसी अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू किया गया है तो कोई आवश्यक नहीं है कि कोर्ट के समक्ष वो जब उपस्थित हो तो उस डॉक्यूमेंट्री लेटर को ही एविडेंस के रूप में एडमिसिबल किया जाए। वो ऐसे मौखिक रूप से भी बता सकता है कि मैं फला व्यक्ति हूं, मैं फला सर्जन हूं, मैं इतने दिनों से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, मेरी अपॉइंटमेंट इतनी तिथि को हुई थी, तो कोर्ट एडमिट कर लेगा, एडमिसिबल हो जाएगा वो सेक्शन 91 के तहत। और दूसरा कि अगर कोई विल है जो प्रोवेट में कन्वर्ट हो चुकी है, प्रोवेट का मतलब बेसिकली यही होता है वो रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है, प्रोवेट का मतलब यही होता है कोई विल जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो प्रोवेट की कैटेगरी में आ जाती है। तो कोई विल अगर प्रोवेट की कैटेगरी में आ गई है तो उस स्थिति में विल का ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, वहां पर विल को ओरिजिनली प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दो एक्सेप्शंस हैं जो सेक्शन 91 के साथ चल रही है। पहला पब्लिक सर्विस के पब्लिक ऑफिसर जो है उसकी अपॉइंटमेंट को लेकर के अगर कोई प्रश्न है तो उस स्थिति में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के स्थान पर ओरल एविडेंस भी एडमिसिबल हो सकता है। और दूसरा बिल अगर कोई प्रोवेट में कन्वर्ट हो गई है तो वो बिल का ओरल एविडेंस भी दिया जा सकता है। इस सेक्शन के साथ सेक्शन 91 के साथ तीन एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं और वो तीन एक्सप्लेनेशंस जो है इसके जो नेचर है उस नेचर को एकदम स्पष्ट कर दे रही है। स्पष्ट करने का बेसिक मतलब यही है कि कुछ नई बातें उस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जोड़ दी गई। पहली कि नो स्पेसिफिक फॉर्मेट कि वो डॉक्यूमेंट किस प्रकार का लिखा गया है, पहले ये लिखा होना चाहिए, फिर ये लिखा होना चाहिए, उसके बाद साइन होना चाहिए, इसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए या सील होना चाहिए, कुछ कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं किया गया है सेक्शन 91 के तहत। डॉक्यूमेंट कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का लिखा गया हो, किसी भी फॉर्मेट में लिखा गया हो, वो एडमिसिबल हो जाएगा। और दूसरा कहा गया कि नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, और दूसरा कहा गया इन सिंगल डॉक्यूमेंट, और कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही प्रति में हो, एक ही प्रति में या एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट हो एक ही प्रति में हो, कोई आवश्यक नहीं है, वो कई प्रतियों में हो सकता है। और इसी बात को आगे बढ़ाता है एक्सप्लेनेशन नंबर से, कहता है वेयर मेनी ओनली वन मस्ट बी प्रूव्ड, जहां पर कई प्रतियां हैं एक डॉक्यूमेंट की, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी वो कई प्रतियों में लिखा गया तो उसमें से एक को भी प्रस्तुत किया जा सकता है, सेक्शन 91 कहती है कि वो ही प्रॉपर हो जाएगा। वहीं पर जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो कहती है फैक्ट्स अदर देन द फैक्ट्स मेंशनड,
किसी डॉक्यूमेंट में जो बातें लिखी गई हैं उससे अलग कुछ बातें निकल के आ रही हैं, तो उनको ओरल एविडेंस के द्वारा साबित किया जा सकता है। यानी अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें या टर्म्स ऑफ ग्रांट्स की बात करें या टर्म्स ऑफ अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें, इनके अतिरिक्त अगर कोई इनमें जो मेंशन नहीं है उसके अतिरिक्त कोई बात निकल के आ रही है, तो उस अतिरिक्त बात को जो कि रिलेटेड ही से उस अतिरिक्त बात को न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा जो है एक्सप्लेनेशन नंबर थर्ड क्वेश्चन 91 का रहता है। अब एक केस था हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल एसआई बॉम्बे 1958 का जजमेंट है। इसमें कहा गया सेक्शन 91 और सेक्शन 92 का जो बेस है, जो इसका आधार है, वो आधार बेस्ट एविडेंस रूल है। बेस्ट एविडेंस रूल मतलब प्रत्येक स्थिति में उत्तम साक्ष्य या सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य दिया जाना चाहिए। यानी सर्वश्रेष्ठ क्या होता है एविडेंस के रूप में, अगर हम सर्वश्रेष्ठता की बात करें तो डॉक्यूमेंट सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसमें 100% पॉसिबिलिटी होती है कि जो लिखा गया वही सामने आएगा। वहीं पर ओरल एविडेंस में लेस पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो लिखा गया जो है एक्चुअल में वही तो सामने आएगा, तो इसीलिए इसको बेस्ट एविडेंस रूल की कैटेगरी में कहा भी गया। जहां से प्री का एग्जाम बनता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, कौन सी प्रोविजंस जो है बेस्ट एविडेंस रूल पर आधारित है। ठीक है, आगे बात करें हम तो अगला जो हमारा सेक्शन आता है वो सेक्शन 92। सेक्शन 92 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 92 बेसिकली जो सेक्शन 91 है उसी का एक विस्तृत रूप है, उसी की बात को आगे बढ़ाता है। और वो कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, कोई अगर ओरल एग्रीमेंट हुआ है पार्टीज के मध्य और वो ओरल एग्रीमेंट इनको लेकर के हुआ है, ठीक है, कोई ओरल एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस ओरल एग्रीमेंट को लेकर के उन पार्टीज जो है और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, बाकी और लोग दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, तो इस सेक्शन को हम डिटेल में समझते हैं या इसको हम कह लें ये सेक्शन 92 हमारी स्पेसिफिक रूल बेस्ड ऑन सेक्शन 91। तो ये विशेष नियम है जो कि सेक्शन 91 पर बेस्ड है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पहली अगर हम बात करें तो सेक्शन 92 कह क्या रहा है, सेक्शन 92 सामान्य रूप से यही कह रहा है कि अगर कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ है इनको लेकर के, तो उस स्थिति में उनकी जो पार्टीज हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके, तो वो ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। उनके लिए क्या आवश्यक है कि वो अगर रिटन उनके पास है तो वो प्रस्तुत करें, और व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ये एप्लीकेबल ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग। इसको दूसरे प्रकार से हम कहेंगे कि भाई अगर ओरल एग्रीमेंट किया है तो आप सेक्शन 92 के तहत वो पार्टीज या वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर उन्होंने रिटन में कुछ किया है, रिटन में ये लिखा है, तो और वो जो पार्टीज है या वो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो जो रिटन में लिखा गया है उसको लेकर के अगर किसी भी प्रकार से वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उसमें उसकी जो टर्म्स हैं उन पे परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें कुछ एड ऑन कर रहे हैं, उसमें कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में वो सब्सट्रैक्शन वो एड और जो कुछ मॉडिफाई करने के संदर्भ में पार्टीज के अतिरिक्त अगर कोई एविडेंस देना चाहता है तो वो एविडेंस क्या हो जाएगा, वो ग्राह्य हो जाएगा, भले ही वो ओरल फॉर्मेट में हो या डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में हो, ये मैटर नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेबल ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग। तो ये सेक्शन 92 की अगर हम बात करें इसके प्रोविजंस केवल उन्हीं चीजों पे लागू होंगे जो राइटिंग्स में लिखे गए हैं, और राइटिंग्स में लिखे गए हैं इसके अतिरिक्त क्या करता है वो बार करता है पार्टीज को और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को, रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट जो हितविक हित के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बार करता है, और बार इसलिए करता है कि भाई वो अगर किसी प्रकार का सब्सट्रैक्शन और ऐड करना चाहते हैं तो उनको पहले उसी समय कर देना चाहिए जब उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया था, और बाद में अगर वो करना चाह रहे हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा मौखिक रूप में कि वो आकर के वो ये करें कि भाई ये शर्त में हमने ये चीजें परिवर्तित कर दी थी।
या उन चीजों में हमने ये परिवर्तन हमको एड ऑन करना है, हमको किसी का नाम बढ़ाना है, या ये एक और टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जोड़नी है, ये एक और टर्म जो है अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत जोड़नी है। तो उस प्रकार की चीजों को अलाउ नहीं किया गया है सेक्शन 92 में। तो ये पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स को अतिरिक्त अन्य सारे व्यक्तियों को अगर वो ओरल एविडेंस देना चाहते हैं तो ओरल एविडेंस उनका एडमिट हो जाएगा। और वह ओरल एविडेंस किसके संदर्भ में होना चाहिए, जो इसकी टर्म्स है उनकी उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हूं, या उसको उसमें परिवर्तन कर रहे हो, या उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, या उसमें से कुछ निकाल रहे हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में अगर कुछ इन प्रकार से कुछ कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो ना तो पार्टी है ना तो रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो ओरल एविडेंस देने के लिए एडमिसिबल हो जाएगा, उसका ओरल एविडेंस किया जा सकता है। अब ओरल एविडेंस कैन बी गिवन अबाउट ओरल एग्रीमेंट्स, और किसके संदर्भ में दिया जा सकता है, ओरल एग्रीमेंट के संदर्भ में दिया जा सकता है। कौन दे सकता है, पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति दे सकता है। या इसको हम कह लें कि यहां पर ये जो बात की गई है, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा तो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें आ गई। यहां पर हमने लिखा ओरल एविडेंस कैन बी गिवन अबाउट ओरल एग्रीमेंट, और यहां पर क्या लिखा हमने, एप्लीकेबल ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग। एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है कि ये एप्लीकेबिलिटी बात करने की एप्लीकेबिलिटी है, यहां पर ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। यहां पर अगर वो रिटन में कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पर ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वो ओरल में है तो ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। वहां पर तो डॉक्यूमेंट ही प्रस्तुत करना पड़ेगा अगर रिटन में होगा तो, ये बात कर रहा है, और यहां पर अगर वो ओरल में है तो ओरल एविडेंस उसका दिया जा सकता है, लेकिन वो ओरल एविडेंस किसके द्वारा दिया जाएगा, जो पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उन व्यक्तियों के द्वारा दिया जाएगा। और किस संदर्भ में दिया जाएगा, सेक्शन 92 के तहत कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा हो टर्म्स को, या वैरी कर रहा हो, या उसमें कुछ ऐड कर रहा हो, या सब्सट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो 92 का जो प्रोविजन है वो बेसिकली अगर उसको हम कंक्लूजन फॉर्म में कहें तो अगर कोई रिटन एग्रीमेंट हुआ है और उस रिटन एग्रीमेंट का ओरल साक्ष्य दिया जाना है तो ओरल साक्ष्य किसके द्वारा दिया जा सकता है, पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स को छोड़कर के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। और वह ओरल एविडेंस जो है बेसिकली किस पर आधारित होना चाहिए, या तो वो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा हो उसकी टर्म्स को, या तो वो परिवर्तन कर रहा हो उसकी टर्म्स में, या उसकी टर्म्स में कुछ एड ऑन कर रहा हो, या उसकी टर्म में कुछ घटा रहा हो या कम कर रहा हो, तो उस स्थिति में पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति ओरल एविडेंस दे सकता है। अगर कोई ओरल एग्रीमेंट है तो क्या उसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है या एडमिसिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो वही बात है, वही चीज है कि वो पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा नहीं होना चाहिए। और वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, वो इन चार बातों से रिलेटेड होना चाहिए, तभी उस स्थिति में ओरल एडमिशन जो है किसके अंतर्गत, सेक्शन 92 के तहत दिया जा सकता है, ठीक है। पार्टीज नहीं दे सकती। अब पार्टीज कौन सी स्थिति में दे सकती है, पार्टीज कौन सी स्थिति में दे सकती है, या रिप्रेजेंटेटिव्स कौन सी स्थिति में दे सकते हैं, कौन सी पोजीशंस है, तो उसके संदर्भ में जो छह एक्सेप्शंस बताई गई हैं सेक्शन 92 में, उसमें ये बताया गया है कि पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स भी डॉक्यूमेंट्री जो रिटन फॉर्मेट में है एविडेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है और जो ओरल में है उसके संदर्भ में दोनों लोग दे सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए उसके संदर्भ में हम ये एक्सेप्शंस को देखेंगे। यहां पर इतनी बात क्लियर हो गई कि 92 कह क्या रहा है, 92 जो कह रहा है उसी उसकी एक्सेप्शंस को हम इसमें देखेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात और आती है, क्या कि एक केस था राजकुमार राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एआईआर 1990, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस देन एक्सट्रिनिक एविडेंसेस आर इनएडमिसिबल, यानी अगर डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है वो क्लियर है और किसी भी प्रकार का संशय नहीं है उसमें तो ओरल एविडेंस को एडमिसिबल नहीं किया जाना चाहिए सेक्शन 92 के तहत, केवल और केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को किया जाना चाहिए। लेकिन अगर उसमें किसी भी प्रकार से कुछ दिक्कत है, कुछ क्लियर नहीं है, तो उस स्थिति में या वो कंट्रेडिक्ट वेरी एड और सब्सट्रैक्ट कर रही है तो उस स्थिति में अलाउ कर दिया जाना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात और इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल के सामने आती है,
कि अगर कंट्रडिक्ट कर रहा है तो कंट्रडिक्ट करने का, जैसे हमने पहले बताया पार्टीज के लिए ये क्यों नहीं छोड़ा गया, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए किस लिए नहीं छोड़ा गया, कि उनके पास पहले भी अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसको ठीक कर सकते थे, जो कुछ उसको जोड़ना था, जो भी उनको घटाना था, जो भी उनको कंट्रडिक्ट करना था, जो भी परिवर्तन करना था, उनके पास ऑप्शन था, पूरा डॉक्यूमेंट था, वो उसमें परिवर्तन कर सकते थे। लेकिन अब बाद में एक बार कोर्ट के पास मामला आ गया तो अब उनकी जो है कैपेसिटी से बहुत बाहर चीजें हो गई, अब उस स्थिति में वो नहीं कर सकते। तो अब एक्सेप्शंस को हम देखेंगे, एक्सेप्शंस क्या है। तो पहली एक्सेप्शंस जो बात करती है वो वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करती है, कि अगर कोई ओरल एविडेंस दिया जाना है और वो ओरल एविडेंस किसके बारे में दिया जाना है, जो वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट को कम या ज्यादा कर सकता है। कम या ज्यादा करने का मतलब बेसिकली जो डॉक्यूमेंट की जो वैधता है उसको खत्म कर सकता है या उसकी उसको वैलिड बना सकता है। तो उस स्थिति में अगर कोई ओरल एविडेंस की रिक्वायरमेंट है तो ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, यानी ऐसा ओरल एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा जो किसी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी या वैधता के संदर्भ में। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या कि अगर कोई ओरल एविडेंस ऐसा है वो कह सकता है कि ये विल ही झूठी है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही झूठा है, किसी के ओरल एविडेंस से ये पता लग सकता है, तो उस स्थिति में उस ओरल एविडेंस को ग्राह्य किया जा सकता और अन्यथा उस ओरल एविडेंस को ग्राह्य नहीं किया जा सकता। ठीक, या वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट है या जो बिल है या किसी भी प्रकार से डिस्पोजिशन या कुछ किया गया, वो अगर ये क्लियर कर रहा है, किसी का ओरल एविडेंस ये बता रहा है कि वो फ्रॉड से द्वारा, मिसकंसेप्शन के द्वारा, धमकी के द्वारा या किसी भी प्रकार से इलीगल वे से वो रिड्यूस कराया गया था, डॉक्यूमेंट पे लिखवाया गया था या उसका साइन प्रस्तुत किया गया था, तो वो अगर ओरल एविडेंस किसी कोई देना चाह रहा है तो ओरल एविडेंस यहां पर एडमिसिबल हो जाएगा, जिसके संदर्भ में प्रोविजो वन जो है वो वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट के वैलिडिटी से रिलेटेड बात कर रहा है कि उस स्थिति में वो ग्राह्य हो जाएगा। अब एक केस था इसमें के एम राजेंद्रन वर्सेस अरुण प्रकाशन, के एम राजेंद्रन वर्सेस अरुण प्रकाशन 1998 का मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, और मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि जो सेक्शन 92 की एक्शन पहला प्रोविजन है वो सभी लोगों के लिए ओपन है, कि वो क्या कर सकते हैं, वो आ करके या पार्टीज के लिए भी ओपन है, ऐसा कह सकते हैं, सभी लोगों के लिए मतलब पार्टीज को इंक्लूड करते हुए सभी के लिए ओपन है, कि वो आ करके किसी भी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी के विषय में अगर कोई ओरल एविडेंस देना चाहते हैं तो ओरल एविडेंस वहां पर एडमिसिबल हो जाएगा। ऐसा जो है इस केस में के एम राजेंद्रन वर्सेस अरुण प्रकाशन AIR 1998 मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। मतलब क्या, अगर पार्टीज किसी पार्टी फॉर एग्जांपल के लिए इसको ये क्यों लिखा गया, क्यों ये प्रोविजन आया, तो कंप्लीट जस्टिस का जो रूल है वो इसलिए आया, क्योंकि अगर किसी ने कोई धोखे से साइन करा लिया है और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो उसकी प्रॉपर्टी प्राप्त कर लेना चाह रहा है, और तो क्या उस व्यक्ति को इतना भी अधिकार न दिया जाए कि वो आकर के न्यायालय के सामने ये बता सके कि मेरा जो साइन लिया गया है या मैंने ये जो डॉक्यूमेंट साइन किया है, ये डॉक्यूमेंट अपनी मर्जी से नहीं, ये कपट के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, मिसकंसेप्शन के द्वारा या किसी भी प्रकार से धमकी देकर उसे कराया गया, तो वो कम से कम उसके पास यहां पर एक अपॉर्चुनिटी छोड़ी गई कि वो आकर के बता सकता है और वहां पर वो उसकी वैलिडिटी को क्या कर सकता है, उस डॉक्यूमेंट को इलीगल घोषित करा सकता है, उसकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठा सकता है न्यायालय के सामने। एक और केस था ईश्वर दास थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेज सोहन दास थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, 2000 का केस है, AIR का केस है, 2000। तो ईश्वर दास थ्रू विधिक प्रतिनिधि और सोहन दास भी जो डेड था उसके विधिक प्रतिनिधि, इनके बीच ये मामला था 2000 का केस जजमेंट में। इस 2000 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही सेक्शन 92 के एक्सेप्शन 1 के संदर्भ में या प्रोविजन 1 के संदर्भ में, और वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पर ये आपत्ति की जाती है, जहां पर ये क्वेश्चन उठ गया किसी भी प्रकार से, क्या कि क्वेश्चन ये उठ गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट या ये ग्रांट या किसी भी प्रकार से डिस्पोजिशन, ये बिल ही क्या है, झूठी है, सैम है, नकली है, तो उस स्थिति में न्यायालय की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो ओरल एविडेंस को ग्राह्य बनाए। 92 की प्रूवी जो उसको ये पावर दे रही है कि वो ओरल एविडेंस को ग्राह्य करे, जिससे उस जिस ओरल एविडेंस से ये पता चल सकता हो कि वो डॉक्यूमेंट जो बनाया गया है क्या वो वैलिड है या नहीं। ठीक, इसके संदर्भ में ये जो मामला था बेसिकली वो मॉर्गेज से संबंधित था, बंधक से संबंधित था, बंधक जो कराया गया था वो बंधक जो है वो बंधक प्रकार का बंधक नहीं था, वो मॉर्गेज डीड थी, लेकिन वो जो मॉर्गेज डीड थी उसके संदर्भ में वो उसने बताया, वो एक पार्टी ने आकर के बताया न्यायालय को कि जो मॉर्गेज डीड है ये मेरा और उनका आपसी मित्रता का संबंध था, इन्होंने बस फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझसे कहा कि भाई अपने सामान कोई प्रॉपर्टी मुझ तक दे दीजिए तो मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। अब इन्होंने मुझसे ये नहीं बताया था कि ये मॉर्गेज है, कि मैं उसको बंधक के रूप में ले रहा हूं या इसके लिए डीड बना रहा हूं, और इन्होंने मेरे सिग्नेचर लिए तो मैंने दे दिया। तो यानी यार मिसकंसेप्ट करके मुझको ये जो है मिसकंसेप्शन में डाल करके, भ्रम में डाल करके मिस्त्री ये साइन कराया गया था, मुझको उस समय बताया नहीं गया था कि ये मॉर्गेज है, तो उस स्थिति में उसको ओरल एविडेंस को अलाउ किया गया। वहीं पर अगर हम दूसरे एक्सेप्शन की बात करें या दूसरे प्रोविजो की बात करें सेक्शन 92 की, वो कह रही है सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। अगर कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट बनाया गया है उसके संदर्भ में, उसके संदर्भ में मतलब क्या कि जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जो ग्रांट किया गया, जो अदर डिस्पोजिशन किया गया, उस डिस्पोजिशन के में कोई ऐसी बात जो वहां पर लिखी होनी चाहिए वो वहां पर मेंशन नहीं की गई, और उसके संदर्भ में क्या बाद में कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कर लिया जाता है दोनों पार्टी उसकी म्यूचुअली एग्री हो जाती है उस पर, तो उस सेपरेट ओरल एग्रीमेंट के संदर्भ में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इलस्ट्रेशन मिल भी जाएगा उसमें कि ए ने बी को अपना घोड़ा बेचा, उस एग्रीमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट में सारी बातें मेंशन थी कि भाई घोड़ा इतने का है और इस दिन डिलीवरी लेंगे और इतना पैसा पहले देंगे इतना बाद में देंगे, सारी बातें मेंशन थी, लेकिन एक बात मेंशन नहीं थी कि ये घोड़ा अच्छा है या बुरा है, ऐबदार है या नहीं है, ये घोड़ा ऐबदार है या नहीं है, इस प्रकार की कोई बात मेंशन उसमें नहीं थी। यानी इसके विषय में वो जो डॉक्यूमेंट्री एग्रीमेंट था, वो डॉक्यूमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट था, वो क्या था, वो साइलेंट था, और इसको लेकर के बाद में वो दोनों पार्टीज आपस में बताती है, एक दूसरे को बताती है कि ऐबदार है, दूसरा कहता है ठीक है मैं फिर भी ले लूंगा, दोनों पार्टी ओरली एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो ओरल एग्रीमेंट का मौखिक साक्ष्य क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है प्रोविजो 2 के तहत। वही बात यहां पर कही गई कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने कोई सामान कोई वस्तु बेच ली और उस वस्तु के संदर्भ में यह स्पष्ट नहीं किया गया वह वस्तु किस प्रकार की है, किस नेचर की है, तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर उसको बाद में कोई सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट हुआ है तो वो ओरल एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो उसके ओरल एग्रीमेंट के संदर्भ में ओरल एविडेंस ग्राह्य हो जाएगा, मौखिक साक्ष्य ग्राह्य हो जाएगा। तीसरा जो एक्सेप्शन है या प्रोविजन है वो कहता है सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एज कंडीशन प्रेसिडेंट। ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची, कोई प्रॉपर्टी बेची, अब प्रॉपर्टी बेचने के बाद दाम प्राइस उसमें तय था, सारी चीजें उसमें तय थी, लेकिन उसमें यह नहीं तय हुआ था कि वो जो जमीन थी वो किसी और के कब्जे में थी, ठीक है, वो कब हैंडओवर की जाएगी या कैसे हैंडओवर की जाएगी ये बात उसमें मेंशन नहीं थी, लेकिन दोनों पार्टियों ने ओरली एग्री कर लिया था कि भाई जब तक तुम उससे कब्जा नहीं छुड़ाओगे तब तक मैं फुल पेमेंट आपको नहीं करूंगा, ये ओरली म्यूचुअली एग्री था, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के एग्रीमेंट में वो चीजें नहीं थी, तो उस स्थिति में क्या हुआ,
उस स्थिति में न्यायालय ने यह कहा यह कंडीशन प्रेसिडेंट है कि पहले कब्जा क्या करें, पहले कब्जा छुड़वाएं दूसरे से, फिर इनको सेल करें या फिर ये पेमेंट देंगे। तो ये जो ओरल एग्रीमेंट पार्टीज के बीच हुआ था, इस ओरल एग्रीमेंट के संदर्भ में भी ओरल एविडेंस को ग्राह्य की बात यहां पर प्रोविजो थर्ड जो है वो करता है, अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट इंपोज करा दी। अब कंडीशन प्रेसिडेंट कई प्रकार की हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया गया तो कहा कि ठीक है मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर इस प्रॉपर्टी को तुम थोड़ा सा और डेकोरेट करवा दो, इस पे बाउंड्री वॉल करवा दो, तो मैं खरीद लूंगा। अब वो क्या है, वो कंडीशन प्रेसिडेंट है कि जब तक वो बाउंड्री वॉल नहीं कराएगा तब तक वो एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार का कंडीशन प्रेसिडेंट को ओरल उसके द्वारा किया गया है, ओरल एग्रीमेंट के द्वारा किया गया है, तो उस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, ओरल एविडेंस ग्राह्य हो जाएगा या ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। इसके संदर्भ में एक केस था, केस का नाम है नारायण दास वर्सेस पप्पा मल, 1967 का केस है। और इस 1967 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओरल एविडेंस प्रोमिसरी नोट के संदर्भ में ओरल एविडेंस को अलाउ किया जाना चाहिए, अगर उस प्रोमिसरी नोट से संबंधित कोई बात अलग से किसी ओरल एग्रीमेंट के द्वारा कंडीशन प्रेसिडेंट के रूप में की गई है तो उसको अलाउ किया जाना चाहिए। नारायण दास वर्सेस पप्पा मल 1967 के केस में इस प्रकार की बात सामने आई। अब अगला जो एक्सेप्शन है वो रेसेशन और मॉडिफिकेशन की बात करता है, प्रोविजो फोर्थ प्रोविजो कहता है या फोर्थ एक्सेप्शन कहता है कि रेसेशन और मॉडिफिकेशन, अगर उस डॉक्यूमेंट में ओरल एविडेंस से देने से किसी भी प्रकार का वो विखंडन हो जाता है उस ओरल एविडेंस का, या उस ओरल एविडेंस सॉरी वो उस डॉक्यूमेंट में उस एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है या उसमें किसी भी प्रकार से उसका विखंडन हो जाता है, तो उस स्थिति में ओरल एविडेंस ना। मतलब क्या है इसका, बेसिक मतलब क्या है कि ये प्रोविजो कह रहा है कि ओरल एग्रीमेंट बाय विच डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन वाज आइदर रिसाइंडेड और मॉडिफाइड, ठीक है, किसी ओरल एग्रीमेंट के द्वारा जो ओरल एग्रीमेंट हुआ था पार्टीज के मध्य, उस ओरल एग्रीमेंट का अगर ओरल साक्ष्य दिया जाता है तो उस साक्ष्य देने से उस स्थिति में होगा क्या कि उस स्थिति में वो जो डॉक्यूमेंट है वो मॉडिफाई हो जाएगा या उसका विखंडित हो जाएगा, तो उस स्थिति में ओरल एविडेंस क्राय हो जाएगा, क्राय किया जा सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, एक केस था शक्ति वेल थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस वेणुगोपाल पिल्लई का। इसमें कहा गया कि जहां where a contract or disposition not required by law to be writing had been arrived at only, then subsequently oral agreement modifying or assigning the same contract or disposition can not can be subsequent oral evidence and such evidence is admissible। मतलब क्या वही बात कि अगर उस समय तो उसमें कोई बात नहीं की गई लेकिन बाद में कोई ओरली एग्रीमेंट किया गया और ओरली एग्रीमेंट अगर दिया जाए तो उससे उस जो डॉक्यूमेंट है वो रिसाइंड हो सकता है या मॉडिफाई हो सकता है, तो उस स्थिति में वो क्या हो सकता है, उसका ओरल एविडेंस ग्राह्य हो जाएगा। इस प्रकार की बात उसमें अगला जो प्रोविजो है वो यूजेज ऑफ कस्टम को लेकर के है, प्रोविजो 5 या एक्सेप्शन 5 वो यूजेज ऑफ कस्टम को लेकर के आई है। अगर किसी व्यवसाय में किसी बिजनेस में कोई कस्टमरी प्रैक्टिसेस चल रही है, कस्टमरी यूजेस अस्तित्व में है, उस कस्टमरी यूजेस के संदर्भ में ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी व्यवसाय में इस बिजनेस में इस प्रकार की बात चल रही है कि भाई पहले माल दे जाओगे उसके बाद हम पैसा आपको पे करेंगे, और ये म्यूचुअली है एग्री है, इसमें किसी भी प्रकार का मतलब ये एक रूटीन है, ये कहने की जरूरत नहीं, ये अपने आप से म्यूचुअली अंडरस्टूड है, सभी लोग ये जानते हैं। अब उस स्थिति में उस कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में कि ये हमारी प्रैक्टिस थी, ये हमारी यूजेस है, ये हमारी जो बिजनेस की यूजेस है, बिजनेस में ये सामान्य रूप से ये एक प्रकार से कस्टम है कि पहले पैसा माल दो और उसके बाद पैसा मिलेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। और इसके संदर्भ में कोई ओरल एविडेंस देना चाहता है तो ओरल एविडेंस क्या कर सकता है, ओरल एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा, ओरल एविडेंस ग्राह्य हो जाएगा। ठीक, इसी को एक दूसरे सब इसको एक एग्जांपल से समझें कि अगर कोई ये कहता है कि भाई पहले किसी जो है जगह पे एंट्री को लेकर के पहले
कहा जाता है कि पहले पैसा दो फिर उसके बाद एंट्री मिलेगी। तो म्यूचुअली है कि ये इसके संदर्भ में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इसको लेकर के कोई बात की जाती है, तो उस स्थिति में ये बताना कि ये यहाँ की परंपरा है या यहाँ की यूजेस है कि पहले पैसा दो फिर एंट्री मिलेगी, तो इसको साबित करने के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। और वहीं पर छठा, अगर एक्सेप्शन की बात करें, रिलेशन ऑफ लैंग्वेज टू फैक्ट्स, तथ्यों के संदर्भ में अगर वहां उस डॉक्यूमेंट की भाषा एम्बिग्यूअस है, संशयात्मक है, उसमें वो क्लियर नहीं है, तो उस स्थिति में भी ओरल एविडेंस ग्रांट हो जाएगा। यानी उस डॉक्यूमेंट की, उस कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की भाषा अपने आप में संशयपूर्ण है, संशयात्मक है, तो उस स्थिति में संशयात्मक जो भाषा है उसको करेक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए भी जो ओरल एविडेंस है, जो ओर मौखिक साक्ष्य है, वो एडमिसिबल हो जाएगा, वो क्या है, हो जाएगा। अब इसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात, एक लीडिंग केस है 2021 का, और जस्टिस सीजीआई एनपी रमन्ना साहब की वो पीठ थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एनपी रमन्ना और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ये तीन जजेस की पीठ थी, और केस का नाम था मंगला वोमेन केंद्रीकर थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एलायंस वर्सेस प्रकाश दामोदर रनाडे। 7 मई 2021 का जजमेंट है, एनपी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ठीक है। केस का नाम फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, मंगला वमन कांद्रीकर थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस प्रकाश दामोदर रनाडे। 7 मई 2021 का जजमेंट है, और उसमें ये कहा गया कि यदि दस्तावेज में कोई संदिग्धता नहीं है तो उसके संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं 92 परंतु 6 व धारा 95 आकर्षित नहीं होगी। यानी एम्बिग्युटी होगी तभी ये जो सब एक्सेप्शन नंबर 6 है या प्रोविजन नंबर 6 है ये एप्लीकेबल होगा, या सेक्शन नंबर 95 जो है वो तभी एप्लीकेबल होगी जब क्या होगा, एम्बिग्युटी होगी, वहां पर किसी भी प्रकार से अनक्लियरिटी होगी, संशय होगा, उस स्थिति में ही, संशय के संदर्भ में ही वो ये सेक्शन प्रोविजो 6 जो है सेक्शन 92 का वो एप्लीकेबल होगा, या सेक्शन 95 एप्लीकेबल होगी, ऐसा इस केस में कहा गया। मंगला रोमन के लेकर थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस प्रकाश दामोदर रनाडे, 7 मई 2021 का जजमेंट है, एनपी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ थी। उस स्थिति में ये स्पष्ट किया गया। अब ये सेक्शन 91 और 92 को लेकर के एक और महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आती है, वो ये क्या कि सेक्शन 91 और 92 में डिफरेंस क्या है, सेक्शन 91 और 92 में डिफरेंस क्या है। तो 91 की 92 की डिफरेंस की बात करें तो सेक्शन 91 अप्लाई टू बोथ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आइदर यूनिलैटरल और बायलैटरल, भाई सेक्शन 92 अप्लाई ओनली बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स। तो 91 यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों प्रकार के जजमेंट्स पे एप्लीकेबल होती है, वही डॉक्यूमेंट्स पे एप्लीकेबल होती है, वहीं पर जो सेक्शन 92 है वो केवल और केवल बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स पे एप्लीकेबल होती है। हमने चैप्टर 6 के पहले पार्ट जो कि बेस्ट एविडेंस रूल से संबंधित था, सेक्शन 91-92 को समझा, वहीं पर सेक्शन 99 जो है वो भी सेक्शन 92 का एक सपोर्टिव प्रोविजन है, जो सेक्शन 92 में जो बात कही गई है 99 उसी बात को आगे कहता है। 99 कहता है रूल में गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वैरी टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट की टर्म्स को वैरी कर रही है उसके संदर्भ में कौन एविडेंस दे सकता है, इसको लेकर सेक्शन 99 बात करता है। और सेक्शन 99 में ये कहा गया कोई भी थर्ड पार्टी इस प्रकार का एविडेंस दे सकती है, यानी सेक्शन 92 और 99 लगभग एक ही बात कह रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि वहां पर जो सेक्शन 92 है, सेक्शन 92 जो है वो केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन की बात कर रहा है, और सेक्शन 99 जो थर्ड पार्टी के एविडेंस देने की बात कर रहा है वो सभी डॉक्यूमेंट्स यानी ऑल द डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में ओरल एविडेंस देने की बात कर रहा है, बस यही अंतर है 92 और सेक्शन 99 में। बाकी सेक्शन 92 और 99
बहुत सिमिलरिटी है और सेक्शन 99-92 की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब दूसरा पार्ट जो है वो एम्बिगियस डॉक्यूमेंट यानी जो संदिग्ध दस्तावेज है उस संदिग्ध दस्तावेज के संदर्भ में प्रोविजन करता है और सेक्शन 93 से लेकर के 98 तक ये कंटिन्यू करता है। 93 से लेकर के 94 यानी 93 और 94 एक पार्ट पेटेंट एम्बिग्युटी की बात करता है, जो डेप्थ संदिग्धता है उसके संदर्भ में बात करता है, वहीं पर जो दूसरा पार्ट है लेटेंट एम्बिग्युटी का वो अव्यक्त संदिग्धता की बात करता है। यानी पहले वाले लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा, भाषा से ही पता चल जाएगा कि वो प्रोविजन क्या है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के कंटेंट क्या है वो अपने आप में संदिग्ध है, उसकी भाषा का जो मतलब है जो अर्थ है वो क्लियर नहीं हो रहा है। वहीं पर लेटेंट एम्बिग्युटी में जब उस प्रोविजन तो क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स के जो कंटेंट है वो तो क्लियर है, लेकिन जब उसको हम एप्लीकेबल करने जा रहे हैं स्पेसिफिक परिस्थितियों में तो उसको एप्लीकेबिलिटी को लेकर वो संदिग्ध हो जाता है और उन परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं कर पाता है, ऐसे दस्तावेजों की संदिग्धता के विषय में सेक्शन 95 से लेकर 98 में। और वहीं पर जो अव्यक्त जो व्यक्त टाइप की जो सॉरी पेटेंट जो एम्बिग्युटी है यानी जो व्यक्त संदिग्धता है सेक्शन 93 से 94 बात करते हैं। सेक्शन 93 की बात अगर हम करें और 94 की बात करें तो पेटेंट एम्बिग्युटी अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड होती है, उसकी भाषा से ही हमको पता चल जाएगा यहाँ पर लेटेंट एम्बिग्युटी अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं होती है, उसकी भाषा से हमको नहीं पता चलेगा, जब उसको हम एप्लीकेबल करने जाएंगे उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को तब हमको समस्या आएगी कि भाई ये संदिग्ध है ये क्लियर नहीं है। तो इस स्थिति में क्या किया गया है, लेटेंट एम्बिग्युटी है उस स्थिति में, तो लेटेंट एम्बिग्युटी की स्थिति में ओरल एविडेंस को ग्राह्य किया गया है, ओरल एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है। और वहीं पर जब हम पेटेंट एम्बिग्युटी की बात करते हैं तो पेटेंट जो एम्बिग्युटी है पेटेंट एम्बिग्युटी के संदर्भ में जो ओरल एविडेंस है वो ग्राह्य नहीं है, नॉट एडमिसिबल हो जाएगा। ठीक, तो अब समझते हैं पेटेंट एम्बिग्युटी जनरली हमने समझ लिया, आप समझते हैं प्रोविजंस क्या कह रहा है। सेक्शन 93 कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगियस डॉक्यूमेंट। अगर कोई ओरल एविडेंस इसलिए दिया जाता है कि वो क्या कर सके, वो एक्सप्लेन कर सके या परिवर्तित कर सके उस जो संदिग्ध दस्तावेज है, उस संदिग्ध दस्तावेज की भाषा को ठीक कर सके, यानी उसके जो ग्रामेटिकल एरर है उनको लेकर के ठीक कर सके, या उसमें किसी भी प्रकार की भाषाई दिक्कत है, शब्दों का दिक्कत है, जो शब्द से अर्थ नहीं क्लियर हो रहा है उसको ठीक किया जा सके, इसके संदर्भ में सेक्शन 93 बात कर रही है। और सेक्शन 93 कहती है एक्सक्लूशन है किसका, अपोर्जन हो जाएगा किसका, ओरल एविडेंसेस का। वहां पर ओरल शब्द तो नहीं प्रयोग किया गया हो, लेकिन अगर ओरल शब्द हम उसकी एविडेंस के आगे लगा लें तो वहां पर ये प्रॉपर हो जाएगा कि मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन हो जाएगा उस स्थिति में जब क्या किया जाना है, जब किसी संदिग्ध डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए या अमेंड करने के लिए कुछ ओरल शब्दों का प्रयोग करना है या ओरल एविडेंस दिया जाना है। यानी किसी डॉक्यूमेंट की भाषा संदिग्ध है और उस संदिग्ध भाषा को हमको स्पष्टता प्रदान करने के लिए किसी ओरल एविडेंस देने की आवश्यकता है तो कोर्ट वहां पर डिनाई कर देगा, यानी एविडेंस एक्ट कहता है सेक्शन 93 कहता है कि वहां पर कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टीज के पास पहले ही अवसर था कि उस एम्बिग्युटी को वो ठीक से चेक कर सके, सॉर्ट आउट कर सकते थे। अब एक बार मामला वो न्यायालय के उसमें आ गया डॉक्यूमेंट को, तब उनको ठीक करने के लिए ओरल एविडेंस अलाउ नहीं किया, यानी एक बार अवसर हाथ से निकल गया फिर वो अपना उसको चार करके भी करेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनको वहीं पर सावधानी पूर्वक उस दस्तावेज को उसकी जो भाषा है उसकी जो लैंग्वेज है उसको क्लियर वे में लिखना चाहिए था, क्लियर वे में ड्राफ्ट करना चाहिए था। और एक बार वो एम्बिग्यूस हो गई फिर ओरल एविडेंस के द्वारा ना तो उसको अमेंड किया जा सकता और ना तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी अपवर्जित कर रहा है ओरल एविडेंस को सेक्शन 93 यानी पेटेंट एम्बिग्युइटी के संदर्भ में जो लैंग्वेज की दिक्कत है लैंग्वेज के कारण सबसे हो रहा है उसमें ओरल एविडेंस को नॉट एप्लीकेबल सेक्शन 93 बना रहा है। एक केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नंदूमल AIR 1980। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नंदूमल के केस में क्या था कि एक इंस्टॉलमेंट पे एक वस्तु खरीदी गई, अब उसपे ये कमेंसमेंट की डेट जो है वो मेंशन नहीं की गई थी कि कब से माना जाएगा, कब से ये एग्जीक्यूशन इसका माना जाएगा, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट में जो डेट थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वो मेंशन की गई थी। तो
अब वो उन्होंने एविडेंस देना चाहा कि भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट को ही कमेंसमेंट की डेट के रूप में ट्रीट किया जाए, तो न्यायालय ने ओरल एविडेंस देने ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया, कहा ओरल एविडेंस इस मामले में तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ चूंकि इस पर संदिग्ध है कि कमेंसमेंट की डेट नहीं दी गई और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट मेंशन की गई, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट को ही ट्रीट किया जा सकता है कमेंसमेंट की डेट के रूप में, लेकिन ओरल एविडेंस उसका पार्टीज के लिए अधिकार नहीं है कि वो आकर के उसको स्पष्ट कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके या अमेंड कर सके। इस प्रकार का अधिकार उनका समाप्त हो गया है ओरल एविडेंस के संदर्भ में, 93 के संदर्भ में नहीं दे सकते। वहीं पर सेक्शन 94 की बात करें, वो कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। इसका मतलब क्या कि जब लैंग्वेज जो है दस्तावेज की जो भाषा है वो कुछ क्लियर है कुछ स्पष्ट है, लेकिन जैसे ही इसको अप्लाई किया जाता है करेक्टली तो फिर क्या होता है, तो उस स्थिति में इसको जैसे ही किया जाता है और उसके बाद उसके कुछ अन्य जो सेंटेंसेस हैं उनके साथ उसको पढ़ा जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, वो भी अस्पष्ट हो जाती है। यानी एक सेंटेंस क्वाइटली करेक्ट है उस किसी डॉक्यूमेंट की भाषा पार्ट में तो करेक्ट है, लेकिन जैसे ही उसको किसी सेंटेंस के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है उस डॉक्यूमेंट के, तो उस स्थिति में वो क्या हो जाती है, एम्बिगियस हो जाती है, संदिग्ध हो जाती है, तो उस स्थिति में सेक्शन 94 बात करता है। और सेक्शन 94 भी वही बात कहता है जो सेक्शन 93 कहता है कि एक्सक्लूशन ऑफ ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ओरल एविडेंस नहीं प्राय होगा, एडमिसिबल हो जाएगा जब एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उनके संदर्भ में उसकी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है तो ये अस्पष्ट हो जाता है, तो उस स्थिति में उसको ओरल साक्ष्य के द्वारा उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इस पेटेंट एम्बिग्युइटी को सॉल्व नहीं किया जा सकता। सेक्शन 94 इसके संदर्भ में बात करती है और वही रूल यहाँ पे भी लागू होगा कि पहले ही अपॉर्चुनिटीज थी पार्टीज के पास उसको करेक्ट कर सकते थे, पहले उन्होंने किया नहीं, तो अब उनकी चीजें बहुत बाहर जा चुकी हैं, उनकी उनकी सीमा से परे जा चुकी हैं, तो अब वो ऐसा नहीं कर सकते। वहीं पर एक केस था जनरल कोर्ट मार्शल वर्सेस कर्नल अनिल देव सिंह धारीवाल 1998 का केस, इसमें कहा गया सेक्शन 94 वुड अप्लाई ओनली व्हेन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिटेड एंड देयर आर नो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस अगेंस्ट इट, कि धारा 94 का प्रयोग तभी किया जाएगा जब डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, और यानी वो डॉक्यूमेंट न्यायालय के पास आ गया है तभी इसको एप्लीकेबल किया जाएगा, तब वो जो गलती है जो असंदिग्धता है उसको करेक्ट करने का चांस पार्टीज को या पक्षकारों को नहीं मिलेगा। वहीं पर सेक्शन 95 से लेकर 98 लेटेंट एम्बिग्युइटी की बात करती है, यानी इसमें ओरल एविडेंस ड्राइव हो जाएगा, ओरल एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा। सेक्शन 95 से 98 लेटेंट एम्बिग्युइटी की यानी अव्यक्त संदिग्धता की बात करती है, अव्यक्त संदिग्धता का मतलब बेसिकली यही है कि भाई उसकी भाषा से तो स्पष्ट लग रहा है कि वो चीजें प्रोविजन स्पष्ट है, लेकिन जब उसको हम अप्लाई करने जाते हैं किसी विशेष संदर्भ में तब समस्याएं उसको उत्पन्न हो जाती है, तब उसको वो संदिग्ध लगने लगता है, तो उसको उसके लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 95 की कहती है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, यानी अस्तित्व जिन तथ्यों के अस्तित्व के संदर्भ में अगर किसी डॉक्यूमेंट की भाषा अस्पष्ट है, अर्थ उसका क्लियर नहीं हो रहा है, उसको अप्लाई करने के संदर्भ में जैसे ही उसको पहले तो भाषा क्लियर है लेकिन जैसे उसको अप्लाई किया जाता है उस स्थिति में भाषा उसकी भाषा अस्पष्ट हो जाती है, तो उसके संदर्भ में ओरल एविडेंस दिया जा सकता है जब एप्लीकेबिलिटी के संदर्भ में उसमें दिक्कत आ रही है, संदिग्धता आ रही है, यानी उसकी भाषा तो ठीक है लेकिन जब उसको एप्लीकेबल किया गया तब वो संदिग्धता की स्थिति में आ रही है, तो उस स्थिति में वो क्या हो जाएगा, लेटेंट जो एम्बिग्युइटी है और लेटेंट एम्बिग्युइटी को ओरल एविडेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। सेक्शन 96 कहता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज व्हिच कैन अप्लाई टू ओनली वन वन ऑफ सेवरल पर्सन, समस्या क्या है कि भाई उसमें लिखा गया बी नाम के व्यक्ति का, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं सेक्शन 96 को, ए एक व्यक्ति है वो कहता है कि मैं अपने बेटे को अपनी पूरी संपत्ति वसीयत कर रहा हूं, हो सो हवास में कर रहा हूं जैसा भी कर रहा हूं, अब अपने लड़के को कर रहा हूं, उसके लड़के हैं तीन,
तो अब समस्या ये एप्लीकेबल जब करेंगे उसकी बिल को, तो समस्या ये है कि कौन से बेटे को उसने किया। तो ये क्या है, ये लेटेंट एम्बिग्युटी है, और लेटेंट एम्बिग्युटी को क्या किया जा सकता है, ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूफ किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, उसको क्लियर किया जा सकता है, वहां पर ओरल एविडेंस गिराए हो जाए। तो मतलब भाषा तो स्पष्ट है, लेकिन कौन से सेट ऑफ पर्संस पे, सेवरल पर्संस के संदर्भ में, किस पर ये एप्लीकेबल होगा, किस पर नहीं एप्लीकेबल होगा, जब इसकी विश्लेषण दे देता है तो वहां पर इसको ऐसे किया जाए, वहां पर ओरल एविडेंस की जरूरत है। सेक्शन 97 कहता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स नाइदर ऑफ व्हिच द रूल करेक्टली अप्लाइज, किसी पर भी वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकता, दो सेट्स है, भाषा तो उसकी स्पष्ट है। तो उस स्थिति में ये बताने के लिए ये जो शब्द है, ये जो टर्म्स है, किस पर एप्लीकेबल होंगे, किस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये बताने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब क्या कि सेक्शन 97 बेसिकली यही कह रहा है कि भाई ए और बी के कब्जे में एक जगह पर दो भूमियां हैं, ठीक है, ए के कब्जे में बी नामक स्थान पर कई भूमियां हैं या दो भूमियां हैं। अब उसकी जो भाषा है उसमें कहा गया कि एक जो पहला जो प्लॉट उसने बेचा या बिल उसने दी, उस बिल में लिखा कि भाई एक जो सी के बगल है और दूसरे में लिखा जो डी के बगल है, और दोनों जगह पे सी और डी है बगल में साइड में, ठीक है, तो किसको माना जाए, तो इसके संदर्भ में भी ओरल एविडेंस ग्राह्य हो जाएगा। वहीं पर सेक्शन 98 एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल कैरेक्टर्स की, एलिजिबल करेक्टर का मतलब क्या है, सेक्शन 98 एलिजिबल करेक्टर का मतलब क्या है कि जब जो बिल है या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें किसी फॉरेन शब्दों का प्रयोग किया गया, विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जो यहां के लोग या न्यायालय नहीं समझ पा रहा है, उसमें किसी देशज शब्दों का, अवधि भाषा के, ब्रज भाषा के या लोकल लैंग्वेज का, डायलेक्ट का प्रयोग किया गया, उसको कोई नहीं जान पा रहा है, तो किसी भी प्रकार से उसकी भाषा है तो स्पष्ट, लेकिन उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया उन शब्दों का मतलब नहीं समझ में आ रहा। जैसे हमने उस दिन बताया था कि अवधि भाषा में कुलुप शब्द का प्रयोग कर दिया, पनही का प्रयोग कर दिया, ठीक, या वो भाषा जनरल या ऑब्सोलेट टर्म्स का प्रयोग कर दिया गया जो प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित टर्म्स है उनका प्रयोग कर दिया गया। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर उस डॉक्यूमेंट में किया गया है तो ऐसे शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ओरल एविडेंस सेक्शन 98 के तहत एडमिसिबल हो जाएगा, यानी वो लेटेंट एम्बिग्युटी है, वो अव्यक्त जो है संदिग्धता है, उस अव्यक्त संदिग्धता को सही करने के लिए क्या किया जा सकता है, एविडेंस दिया जा सकता है। और वो एविडेंस किस संदर्भ में होगा, वो एविडेंस सामान्य रूप से ओरल फॉर्म में अलाउ कर दिया जाएगा। तो लेटेंट पेटेंट एम्बिग्युटी में किसी प्रकार का ओरल एविडेंस ग्राह्य नहीं होगा, क्योंकि वो भाषाई समस्या है, ग्रामेटिकल समस्या है, और यहाँ पर एप्लीकेशन की समस्या है लेटेंट एम्बिग्युटी में, तो इसमें ओरल एविडेंस ग्राह्य हो जाएगा। वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, पहला मीनिंग स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है, दूसरे में बात कर ली गई कि भाई लैंग्वेज किस पर अप्लाई होगी, सेवरल पर्सन से किस पर अप्लाई होगी, तो उसके लिए 96 बात कर रही है, 97 कह रहे हैं कि सेवरल चीजें हैं और लेकिन एक जैसी है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए 97 के तहत ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। और 98 उसकी मीनिंग तो सही है, लेकिन उसमें जो टर्म्स का प्रयोग किया गया, उसमें जो करेक्टर्स का प्रयोग किया गया, वो ऑब्सोलेट फॉरेन या किसी लोकल डायलेक्ट्स के हैं, उस स्थिति में समझ में नहीं आएगा, तो उसको स्पष्ट करने के लिए भी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। वहीं पर पार्ट 100 जो है सेक्शन 99 पार्ट फर्स्ट में ही आएगी, वो सेक्शन 92 की बात को आगे बढ़ा रही है, लेकिन 100 जो है वो कह रहा है कि इसमें जो बिल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के 1865 के प्रावधानों को किसी भी प्रकार से समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे, वो यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रावधान एज इट इज एप्लीकेबल रहेंगे, चाहे जो बात इस चैप्टर में बिल के संदर्भ में कहीं गई हो, ऐसा इसमें स्पष्ट कर दिया गया है इस चैप्टर में। तो ये ओवरऑल चैप्टर 6 कंप्लीट।